आपने मेरी आई के लिए इतना दर्द क्यों सहा? तुमने भी तो मेरी मॉम के लिए मुझसे इतना आर्ग्यू किया। तुमने मुझसे कहा कि बात की तह तक जाना होगा, सच ढूंढना होगा, सारे प्रूफ निकालने होंगे, और वही हमें पता चल गया कि मेरी मॉम इनोसेंट है। तुमने मुझसे जो वादा किया तुमने उसको निभाया। इसमें ही अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैंने कहा था कि भवानी आंटी का ख्याल रखो, कौन है मैं दुख नहीं पहुंचने को, और मैं कुछ नहीं कर पाया। आपने मेरी आई के लिए जो किया है ना, वो जरूरत से ज्यादा है। एक बात कहूं, देखिए मैं जानती हूं कि आप अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते। आपने कहा था हमारा झगड़ा हो जाएगा। जब मैंने ऐसा कहा था और तुम इस बात को जानती हो तो मत करो ना पास्ट की बात। नहीं, इस मामले में मैंने आपकी बात सुनी भी है, लेकिन मेरी ना एक प्रॉब्लम है। एक? नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मेरे दिल में कोई बात आ जाती है ना, तो फिर दिल में नहीं रहती, मैं कह के रहती हूँ। I know. Go. क्या कहना? आपने आज कहा ना कि औरत और मर्दों की हर चीज में बराबरी होनी चाहिए, के अधिकारों में, उनके सम्मान में बराबरी होनी चाहिए। फिर उनके एहसासों की बराबरी क्यों नहीं होती? जिस दर्द से आप गुजर चुके हैं, मेरे आई के दर्द से कम तो नहीं है ना? उस दर्द को किसी के भी दर्द से कम नहीं आंका जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको तकलीफ कम हुई होगी क्योंकि आप मर्द हैं। दिल तो ये देखकर नहीं टूटता ना कि वो मर्द का है या औरत का। दर्द तो दोनों को एक बराबर होता है। मुझे पता है आप हीरो हैं और हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाकर लोगों की ढाल बनना चाहते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन एक हीरो के लिए भी जरूरी होता है कि वो कभी कमजोर पड़कर किसी को गले लगाकर अपना दर्द बांटे। आप लोगों के गले लगकर उनका दर्द बांटते हैं, मतलब आपको इतना तो पता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दर्द बांटने से कम होता है। आपको भी किसी को गले लगाकर अपना दर्द बांट लेना चाहिए।